हेलो वेलकम गाइस, दिस इज गोविंदा। तो लास्ट वीक अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपके एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जहाँ से इस आईपीएल में आप अच्छा खासा पेटीएम कैश अर्न कर सकते हो उस एप्लीकेशन से अपनी अच्छी खासी फैंसी टीम बनाकर। सो गाइस, वो कौन सा एप्लीकेशन है और कहाँ से डाउनलोड करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप मिल जाएगी। सो इस वीडियो को पूरे एंड तक वॉच करो, और नए हमारे यूट्यूब चैनल पे तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलो बात कर लेते हैं उस एप्लीकेशन के बारे में कि कहाँ से उसको डाउनलोड करना है और सबसे पहले उसका क्या नाम है। तो गाइस, अगर नाम की बात करें उस एप्लीकेशन की तो इसका नाम है Myteam11, जो कि मेरे मोबाइल को होम स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसकी डाउनलोडिंग लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से क्लिक कर इसको डाउनलोड कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करने का आपका एक फ़ायदा होगा दोस्त, कि आपको यहाँ पर 50 रुपये बोनस के तौर पे मिल जाएंगे जिसका यूज आप यहाँ से गेम प्ले करने में कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले डाउनलोड करने के बाद से ओपन करना, और ओपन करने के बाद से गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको लैंग्वेज बोलेगा सेलेक्ट करने के लिए। तो आप यहाँ से अपने लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद से सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, और जस्ट ये आपको नेक्स्ट पेज पे भेज देगा जैसे ही आप सेव पे यहाँ पे क्लिक कर दोगे, ठीक ना। और जैसे ही सेव करोगे आपको नीचे यहाँ पर देख ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन और रजिस्टर्ड का। तो आपके पास अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो आप यहाँ से इसको लॉगिन कर सकते हो, अदरवाइज आपको रजिस्टर का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन पर क्लिक करते ही गाइस आपको नया पेज ओपन हो जाएगा, और बस यहाँ पर ज़्यादा कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपको यहाँ पर बस आपसे एक फ़ोन नंबर पूछा जाएगा, और एक आपको यहाँ पर ईमेल आईडी देनी होगी। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं रेफर कोड, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में रेफर कोड मिल जाएगा। यहाँ पर रेफर कोड के ऑप्शन पे क्लिक कर आपको यहाँ पर रेफर कोड मेरा पुट कर देना है, तभी जाकर आपको 50 रुपये बोनस मिलेगा, और उस बोनस का आप यूज कर सकते हो गेम प्ले करने में। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, देन आगे की प्रोसेस आपको बता देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर मोबाइल नंबर ओटीपी डालने के बाद से ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। और सबसे खास बात इस एप्लीकेशन की मुझे ये लगी गाइस कि यहाँ पर आपको ये नहीं है केवल क्रिकेट और फुटबॉल के ही आपको यहाँ पे फैंसी टीम मिलेंगे, और क्रिकेट और फुटबॉल के अलावा भी आपको यहाँ पर बहुत सारी फैंसी क्रिकेट मतलब गेमिंग आपको मिल जाती है। लाइक यहाँ पर फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, रग्बी है, वॉलीबॉल है, और हैंडबॉल है। यहाँ पर आपको 5-7 ऑप्शंस मिल जाते हैं अर्निंग करने का। तो आप में जिसमें इंटरेस्ट रखते हो वहाँ से आप मतलब फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हो तो फुटबॉल की टीम बनाकर यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। अगर आप बेसबॉल में इंटरेस्ट रखते हो तो बेसबॉल की टीम बनाकर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पर क्यूज का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पर क्यूज भी खेल सकते हैं और यहाँ पे रियल मनी को अर्न कर सकते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे देख सबसे इंटरेस्टिंग बात गाइस कि यहाँ पर एक रग्मी का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे ये मिडिल वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो जस्ट इसी एप्लीकेशन में एक ही एप्लीकेशन में दो काम हो जाएगा आपका, यानी कि आप यानी कि फैंसी गेम भी आप खेल सकते हो और उसके बाद से रग्मी भी खेल सकते हो, ठीक ना। तो आप दोनों में से जो चाहते हो वो यहाँ से आप खेल सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है गाइस कि आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि टीम को आपको कैसे क्रिएट करना है, ठीक। अगर मैं एक क्रिकेट फैंसी का बात कर रहा हूँ, आपको टीम कैसे क्रिएट करना होती है, यहाँ पे मुंबई और कलकत्ता का आज का मैच है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसके ऊपर। और क्लिक करने के बाद से गाइस आपको एक नीचे ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट टीम का। तो सबसे पहले आपको टीम को क्रिएट करना है, देन उसके बाद से आपको कोई भी कंटेस्ट को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ गाइस आपको टीम क्रिएट कैसे करना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर विकेट कीपर को सबसे पहले चूज करना होता है। तो विकेट कीपर में आपको 1 से लेकर 4 विकेट कीपर तक आप चूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ से क्विंटन डिकॉक, ईशान किशन और दिनेश कार्तिक को चूज कर लेता हूँ। देन यहाँ पे आ जाता हूँ बैटमैन के ऑप्शन पे। बैटमैन के ऑप्शन पे आने के बाद से गाइस आपको यहाँ पे रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, शुभम गिल, और नीचे आने के बाद से मैं गाइस यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ राहुल त्रिपाठी को, ओके। और यहाँ पे आगे बढ़ जाता हूँ ऑलराउंडर में। ऑलराउंडर में आपको सेलेक्ट कर लेता है हार्दिक पांड्या, हार्दिक और आंड्रे रसेल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे लास्ट आपको बॉलर का ऑप्शन सेलेक्ट करना हो तो आप समझ सकते हैं यानी कि 22 आपको यहाँ पे प्लेयर होंगे, बट आपको यहाँ पर चूज कितने करने हैं, मात्र और मात्र यहाँ पे आपको चूज करने।
तो यहाँ पे 22 प्लेयर होंगे और 22 प्लेयर में से मात्र आपको 11 प्लेयर को चूज करने होंगे। तो मैंने 11 प्लेयर को यहाँ पे चूज कर लिया, आप नीचे देख सकते हो। चूज करने के बाद से नेक्स्ट के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज करना होगा। और यहाँ पे सारे फैंटसी गेम की तरह ही है, जिसको आप कैप्टन बनाओगे उसकी पॉइंट डबल हो जाएगी, और जिसको आप वाइस कैप्टन बनाओगे उसकी पॉइंट यानी कि डेढ़ गुना हो जाएगी, ठीक ना। तो मैं यहाँ पे कैप्टन बनाता हूँ रोहित शर्मा को, और वाइस कैप्टन बना देता हूँ शुभम गिल को। और बनाने के बाद से सेव के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब जो हमारा टीम है वो सेव हो चुका है। अब यहाँ पर आपको एक कंटेस्ट ज्वाइन करना है। अब आप कितने रुपए का कंटेस्ट ज्वाइन करना चाहते हो आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे 13 रुपये का भी है, 15, 19 रुपये का भी है, 47 रुपये का भी है, ठीक। और जस्ट नीचे जैसे आओगे तो आपको फ्री में भी मिल जाएगा, यानी कि प्रैक्टिस में भी मिल जाएगा। और यहाँ पे 32 अवेलेबल है, यानी कि यहाँ से आप जो ज्वाइनिंग फी है वो बहुत लो है, और यहाँ से जो एंट्री है मतलब एंट्री है वो लो है, और विनिंग जो है वो यहाँ पर हाई है। आप देख सकते हो 15 रुपये में 75 रुपये आपको मिल जाएंगे, 25 रुपये में 100 रुपये आपको मिल जाएंगे। विनिंग प्राइज 15 रुपये है यहाँ पे एंट्री फी, और विनिंग प्राइज आपको पूरे 125 रुपये मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ गाइस। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, सबसे पहले जो मेगा कंटेस्ट है उसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं 19 रुपये का है, 19 रुपये का है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद से यहाँ पे मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। ये ज्वाइन का जो ऑप्शन आ रहा है 90 रुपये ज्वाइन, में यहाँ पे क्लिक कर कर अपने टीम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे ज्वाइन कंटेस्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर कर अपना कंटेस्ट को यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ। जस्ट लाइक सेम आपको भी ऐसे ही करना है। या अब देखो, जैसे ही आप अपने कंटेस्ट को ज्वाइन कर लोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा स्पिन एंड अर्न का, और आपको बोलेगा शेयर करने के लिए। आप फेसबुक पर या फिर ट्विटर पर शेयर करते हो इस पेज को, तो आपको ये जो स्पिन वाला है इनेबल हो जाएगा, यानी कि अनलॉक हो जाएगा। और यहाँ पे स्पिन करोगे तो आप यहाँ से जीत सकते हो कम से कम 100 रुपये तक का कैश बोनस जीत सकते हो, और उस बोनस को आप यूज कर सकते हो मतलब गेम प्ले करने में। अब यहाँ पे जो विनिंग होगी आपकी प्राइज, उसको आप विड्रॉ कैसे करोगे, यहाँ तो आपने बता दिया, मैंने बता दिया कि आप यहाँ से टीम कैसे बनाओगे और ज्वाइन कैसे कर लोगे। अब यहाँ पे जो आपकी विनिंग मनी होगी विड्रॉ कैसे करोगे, जस्ट आपको एक यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन मिल जाता है, और जैसे ही इस वॉलेट का ऑप्शन पे क्लिक करोगे गाइस, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है विनिंग मनी का, ठीक। और जस्ट नीचे आओगे तो आपको एक मिल जाता है विड्रॉ मनी का एक ऑप्शन। जैसे इस मनी पे आप विड्रॉ करोगे तो देखो यहाँ पे बता रहा है मिनिमम 200 रुपये आपके अकाउंट में, मिनिमम 200 रुपये होना चाहिए विड्रॉ करने के लिए, ठीक। और उसके बाद से मैं गाइस बता दूँ, यहाँ पर विड्रॉ करने के लिए आपको KYC करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो KYC करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको अपना प्रोफाइल का ऑप्शन में जाना होगा गाइस। और यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन में जाने के बाद से आपको यहाँ पे अपना पेटीएम और बैंक अकाउंट को देना होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वेरीफाइड कर लिया है। आप देख सकते हो पैन कार्ड को वेरीफाइड कर लिया और बैंक अकाउंट को भी वेरीफाइड कर लिया है। और मैं एक बात बता दूँ गाइस कि यहाँ पर सबसे पहले जिसका पैन कार्ड होगा उसी का बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि ये जो मतलब Myteam11 वाले हैं यहाँ पर अपने आपके नाम को दोनों जगह मैच करते हैं, यानी कि आपके पैन कार्ड में भी मैच करते हैं आपका नाम, और आपके पासबुक में भी आपके नाम को मैच करते हैं। दोनों नाम अगर मैच करता है तभी जाकर ये आपका जो वेरिफिकेशन है यानी कि इसको ओके करते हैं, और जो आपका विड्रॉ का ऑप्शन है उसको इनेबल करते हैं। तो आप ये मतलब वेरिफिकेशन करते हुए KYC करते समय इस बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। तो आई थिंक गाइस मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।